गुड मॉर्निंग एवरीवन, माइनिंग ज्ञान 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा विनिंग एंड वर्किंग का जो है तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट। ये लेक्चर वन है इसका, जिसमें कि हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपका मिनरल डिपॉजिट का ओपनिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसमें आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं। बेसिकली सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शाफ्ट सिंकिंग। इसी प्रकार से हम जो है तो मिनरल डिपॉजिट की ओपनिंग करते हैं, है ना। मैं एक बार आपको देखता हूँ सिलेबस। आपका जो सिलेबस है ये देखिए, ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जिसमें कि आपका शाफ्ट सिंकिंग है, ड्रिफ्ट ड्राइवेज है, सिंकिंग के मेथड्स, मैकेनाइज्ड सिंकिंग क्या होगा, इसी के साथ ही ऑर्डिनरी या फिर वाटरलॉग ग्राउंड्स या फिर अदर स्पेशल कंडीशन में हम किस प्रकार से सिंकिंग करेंगे, है ना। एंड आपका शाफ्ट में क्या क्या सपोर्ट होता है, टेम्पररी या फिर परमानेंट, और मैकेनाइज्ड स्टोन ड्रिफ्टिंग किस प्रकार से होता है, ये हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट में। तो ये सारी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और हाँ, और एक और जानकारी थी आपके लिए आपका। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए, ठीक है। तो उनको जो है तो अगर वो स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करेंगे, कर सकते हैं। अगर मतलब का ऐसा है कि भाई आपको स्किप करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्टेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, तो उनके लिए यूजफुल नहीं है ये टॉपिक, इनके में कवर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको, इस लेक्चर को अभी स्किप कर सकते हैं जब तक ये मिनरल डिपॉजिट की ओपनिंग का चल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शार्प सिंकिंग देखिए, शाफ्ट सिंकिंग। अब शाफ्ट सिंकिंग में शाफ्ट जो है तो जनरली किस शेप का होता है, बेसिकली आपने अगर कहीं पर फोटो वगैरह देखा होगा या आपने कहीं पे काम भी किए होंगे, तो वहां पे आपने शाफ्ट का जो शेप देखा होगा, जनरली आपको सर्कुलर शेप में ही शाफ्ट दिखाई देता है ना। क्योंकि अब देखिए क्या है कि जो रेक्टेंगुलर शेप है वो भी, उसका भी एक शाफ्ट होता है ना। इस शेप का भी शाफ्ट आपको देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप का भी शाफ्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, रेयरली ही कहीं देखने को मिलता है। बिकॉज क्या है ना कि जो सर्कुलर शाफ्ट है, इसकी खास बात ये होती है कि भाई साहब ये आराम से जो साइड से प्रेशर आते हैं, अगर ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है सरफेस पर से नीचे की तरफ आया है, तो इस शाफ्ट में चारों तरफ से जो साइड के प्रेशर आते हैं, इस प्रेशर को ये बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाता है, रेजिस्ट कर पाता है, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखा के समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए अगर रेक्टेंगुलर शेप है आपका, अगर रेक्टेंगुलर शेप होगा शाफ्ट का टॉप पे, इसको देखिएगा टॉप व्यू से, और ये है आपका सर्कुलर शेप का शाफ्ट। अब इसमें क्या हुआ कि जब ऊपर से चारों तरफ से प्रेशर आएगा, ठीक है, चारों तरफ से प्रेशर आएगा, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है ये कुछ इस प्रकार से डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पूरी माइंस की जो लाइफ है तब तक के लिए शाफ्ट को बनाना है, और उसमें आपका ये एक प्रकार का डिफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करता है, साइड के प्रेशर को अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब बात करते हैं सर्कुलर शाफ्ट की, तो ये एक तो प्रेशर्स को अच्छे से क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चारों तरफ, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये साइड के प्रेशर को अच्छे से रेजिस्ट कर पाता है, अच्छे से अपोज कर पाता है। दूसरा आपका सबसे बेस्ट चीज है कि इसको सिंक करना, इसको बनाना बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात कि अगर जो वेंटिलेशन के लिए जो हम हवा प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हवा में फ्रिक्शन भी कम से कम देखने को मिलता है। जो शाफ्ट का डाया होता है जनरली 4.2 मीटर से 6.7 मीटर होता है। अब यहाँ पर आपका ये दो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें कि आपका ये बोलता है कि जब आप शाफ्ट सिंकिंग करते हैं उस समय ड्रम वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो वाइंडिंग अरेंजमेंट होता है वो ड्रम वाइंडिंग सिस्टम यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी, आपके पास डीप शाफ्ट है, तो उस केस में हम फ्रिक्शन वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अब इसमें आपको डाउट ये हो सकता है कि सर शाफ्ट सिंकिंग अगर कर रहे हैं डीप शाफ्ट का, तो उसमें हम डायरेक्ट फ्रिक्शन वाइंडर यूज करेंगे? नहीं,
आपको उसमें स्टार्टिंग में जब तक शार्प सिंकिंग चल रहा है ड्रम वाइंडिंग यूज करना पड़ेगा। जैसे ही शार्प सिंकिंग आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको फ्रिक्शन वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आपके लिए इकोनॉमिकल पड़ता है। अब ड्रम वाइंडिंग के लिए अब आप अलग से पहले बोलेंगे भाई मैं ड्रम वाइंडिंग खरीदूं, अरेंजमेंट करूं, खरीदूं उसको, उसके बाद फिर मैं फ्रिक्शन वाइंडिंग उसको हटा के लगाऊं, तो मेरा तो डबल पैसा खर्चा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो ज्यादातर माइंस में क्या किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता है जो कि ड्रम वाइंडिंग अरेंजमेंट अपना लाते हैं, लगाते हैं, शार्प सिंकिंग करेंगे और उसके बाद अपना अरेंजमेंट हटा लेते हैं, फिर आप अपना फ्रिक्शन वाइंडर खरीदिए और उसको लगा लीजिए। तो इससे आपके लिए एक ये है कि पैसे बच जाते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी होता ही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डीप शाफ्ट मतलब ज्यादा गहराई वाला शाफ्ट, मतलब जिसकी डेप्थ ज्यादा होती है। अगला आता है पायलट होल्स। अब देखिए पायलट होल्स का एक अलग ही महत्व है। अगर शाफ्ट सिंकिंग आप करते हैं तो पायलट होल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि पायलट होल्स की मदद से ही आप क्या पता कर सकते हैं कि मुझे अपना शाफ्ट कहाँ पर बनाना है। तो बेसिकली शाफ्ट का जो साइट सिलेक्शन होता है कि आखिर शाफ्ट कहाँ पर बनाना है, इसके लिए आपको पायलट होल्स ड्रिल करने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी मदद से आप पता करोगे कि भाई जहां पर जिस जमीन पे मैं शाफ्ट बनाने जा रहा हूं उस जमीन पर क्या कहीं पर फॉल्ट है या क्रैक्स हैं, या जमीन की मिट्टी कैसी है ना, पत्थर कौन कौन से हैं, सारी डिटेल्स आपको ऑब्वियस सी बातें चाहिए होती है, तब तो आप शाफ्ट बनाओगे। लेकिन क्योंकि अगर धंसने वाली जमीन होगी तो वहां पे शाफ्ट तो बनाओगे लेकिन कंट्रोल करने के लिए भी तो आपको मेथड्स चाहिए कि मैं सही मेथड्स कौन कौन से यूज कर सकता हूँ उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बनाना चालू किए एक एक धंसने वाली जमीन फंस गई, अब साला पूरी व्यवस्था करो उसके लिए अलग से व्यवस्था करो, ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। हमें पहले से ही सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पायलट होल्स कभी भी शाफ्ट का सेंटर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी भी शाफ्ट के रेडियस के 50 मीटर के भीतर आता है। जैसे अगर मैंने एक इतना बड़ा एरिया है मेरे पास, समझिएगा बात को, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे कहीं भी अपना शाफ्ट बनाना है। अब मैं शाफ्ट बनाने के लिए पायलट होल्स यहाँ पे ड्रिल कर लाऊं, ठीक है, यहाँ पे ड्रिल किया, यहाँ पे ड्रिल किया, यहाँ पे ड्रिल किया, है ना, या फिर कोई भी एक पॉइंट पे मैंने पायलट होल ड्रिल किया, तो मेरे को शाफ्ट मैंने यहाँ पे शाफ्ट बनाने का डिसीजन लिया कि मेरा शाफ्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये मेरा शाफ्ट, टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं आप, ठीक है, इस जमीन के टुकड़े को। अब आपके शाफ्ट का सेंटर नहीं है, ये पायलट होल से आपने डिसाइड किया, इस वाले पायलट होल से, P1 पायलट होल से आपने डिसाइड किया कि भाई मेरा शाफ्ट बनना चाहिए यहां पे। अब देख पा रहे हैं ये आपके शाफ्ट का जो है तो सेंटर नहीं है पायलट होल, लेकिन आपके शाफ्ट के 50 मीटर के रेडियस, अब जैसे यहां से लेके यहां तक 50 मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, तो 50 मीटर के रेडियस के भीतर है, 50 मीटर का जो रेडियस है इसके भीतर आपका पायलट होल फंसता है, ठीक है, जहां भी शाफ्ट बनाना है उसके 50 मीटर के रेडियस के भीतर। तो ये याद रखिएगा। अब पायलट होल से कुछ डिटेल्स मिलती हैं कि भाई कंफर्मेशन कहाँ मिल जाता है कि शाफ्ट का साइट क्या होगा, वाटर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मुझे मेथड्स यूज करने हैं, ठीक है। इसके साथ ही मुझे ये भी पता चल जाता है कि शाफ्ट को बनाने में कितना समय लगेगा और कितना खर्चा लगेगा, इसका एक एस्टिमेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद शाफ्ट का डिजाइन कैसा होगा, परमानेंट लाइनिंग कौन सी हम यूज करेंगे, ये सारी डिटेल्स हमें पायलट होल्स की मदद से पता चल जाती है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है पायलट होल्स अगर आपको शाफ्ट सिंकिंग करना है। सरफेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अब भाई ठीक है, हमने पायलट शाफ्ट के बारे में जाना, शाफ्ट सिंकिंग किया जाता है मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने शाफ्ट बनाने के लिए हमने पायलट होल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, जा रही सारी जानकारी कलेक्ट कर ली। अब चलिए शाफ्ट सिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब शाफ्ट सिंकिंग जैसे ही आप करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अरेंजमेंट करेंगे उसके लिए, है ना, तो सरफेस पर प्लांट सेट करेंगे, इक्विपमेंट्स लाएंगे। जब ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला आता है स्टीम बॉयलर या फिर डीजल इंजन का आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक पावर का वाले वाइंडिंग इंजन पंप,
वगैरह आप लाके सेटअप करेंगे। इसी के साथ ही दूसरा आपका वाइंडिंग इंजन होगा, जिसमें कि लॉक्ड कॉइल रोप्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली लॉक्ड कॉइल रोप्स किस प्रकार के रोप होते हैं? नॉन स्पिनिंग रोप्स होते हैं, ठीक है। स्टील का हेड गियर यूज करेंगे, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे हम यूज करते हैं, ठीक है। डबल ड्रम विंच यूज करेंगे वॉलिंग स्कैफोल्ड के लिए, लाइटिंग केबल्स के लिए, शॉर्ट फायरिंग केबल्स के लिए, पंप को सस्पेंड करने के लिए, मतलब लटकाने के लिए रोप्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। पंप का केबल्स वगैरह जो है तो पूरा सेट करेंगे। इसके साथ ही जैक हैमर ड्रिल्स और बाकी के इक्विपमेंट्स, कंप्रेस्ड एयर वाले जो है तो यूज करेंगे। एक पंखा होगा हमारे पास, जिसकी कैपेसिटी होगी 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट वाला पंखा होना चाहिए। जनरेटर होगा हमारे पास डीजल या फिर स्टीम इंजन वाला, ताकि हम लाइटिंग कर सकें, है ना भाई, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ ही फोल्डिंग डोर्स होंगे, ताकि शाफ्ट के टॉप को कवर किया जा सके। मेटल के लिए है ये, बट अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए, मेटल बट अनरेस्ट्रिक्टेड। मेटल में भी शाफ्ट का इस्तेमाल होता है। मैंने जो अभी आपको सिलेबस दिखाया था ना, वो आपका मेटल का है, अनरेस्ट्रिक्टेड का है, रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। चाहे अब मेटल हो चाहे कोल हो, ठीक है, चाहे मेटल हो चाहे कोल हो, अनरेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए है, रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई हमारा शाफ्ट के टॉप पे हमने जो अरेंजमेंट किया। इसके साथ ही और क्या अरेंजमेंट करेंगे? सिग्नलिंग सिस्टम आप सेट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पिट बॉटम से लेके पिट टॉप तक पूरा का पूरा आप क्या कर सके, सिग्नल ट्रांसफर कर सके। इसीलिए वाइंडिंग इंजन रूम में सिग्नलिंग अरेंजमेंट किया जाता है। शूट्स लगाते हैं, बकेट्स लगाते हैं, टिपिंग टब्स लगाते हैं, है ना, ट्रैम लाइंस की मदद से, ताकि आप डेब्रिस, मतलब कि जो ब्लास्टिंग के बाद जो मटेरियल निकल रहा है, उसको आप क्या कर सके, रिमूव कर सके। और इसी के साथ ही अपना वर्कशॉप भी सेटअप करेंगे भाई, चीजों को रिपेयर भी तो करना पड़ेगा, कोई चीज खराब हो गई या कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए वर्कशॉप तो हमारे पास होना चाहिए। तो ये भी आपका सरफेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में आता है। तो इतना सारा अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है, शार्प सिंकिंग अगर करनी है तो। चलिए, और क्या यूज करेंगे? इसी के साथ ही लैंप रूम सेट करेंगे। फर्स्ट एड रूम होगा, मैगजीन होगा, स्टोर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब शाफ्ट का सेंटर मार्क करना है, तो शाफ्ट का सेंटर मार्क करने के लिए हम कंक्रीट पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक प्लेट लगी होती है, जो कि आपका सेंटर लाइन जिसमें कि मार्क रहता है, ठीक है। शाफ्ट सिंकिंग का जो स्ट्राटा होता है वो किस प्रकार का होता है? सबसे पहले तो सब सॉइल या फिर एल्यूवियम सॉइल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड रॉक, ठीक है, जो कि एल्यूवियम और मिनरल बेड के बीच का पोर्शन होता है। इसके बाद आता है आपका कोल सीन या फिर मिनरल बेड आता है। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए, आपको शाफ्ट बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से शाफ्ट सिंकिंग किया, मैं अपने मिनरल बेड तक पहुंच गया, ये मेरा मिनरल बेड या फिर कोल, कुछ भी बोल लो, मैटर नहीं करता, मिनरल बेड हो या कोयला हो, एक ही चीज है, ठीक है। आपका टारगेट है आपके ओर डिपॉजिट तक पहुंचना, ठीक, पहुंच गए आप। अब यहां पर देखिए, ये आपका मिनरल बेड या कोल कोल हो गया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक आपकी जो मिट्टी है वो मिलती है, तो इसको कहा गया सब सॉइल। ये आपका साफ सिंकिंग का स्ट्राटा है, तो सबसे पहला स्ट्राटा तो ये मिला, सब सॉइल या फिर एल्यूवियम सॉइल। फिर उसके बाद आता है आपका हार्ड रॉक, जैसा कि मैंने बोला, ये एल्यूवियम बोले तो सब सॉइल और मिनरल बेड के बीच में होता है, मतलब एल्यूवियम के नीचे और मिनरल बेड के ऊपर का जो पोर्शन होता है, इसको क्या कहा जाता है? हार्ड रॉक। ये आपका हार्ड रॉक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का पेरीमीटर कितना होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो मार्किंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब हमारा जो एक्सकवेशन है, ठीक है, पेरीमीटर बोले तो जैसे कह सकते हैं कि मैंने शाफ्ट बनाया, तो शाफ्ट का ये यहां से लेके यहां तक ये जो गोल गोल है ना, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब इसको यहां से लेके यहां तक मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है। सरकमफ्रेंस, बेसिकली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है तो ये होता है, परिधि बोलते हैं शायद, कुछ तो बोलते हैं हिंदी में। अब इसको मार्क करने के लिए, इसको बनाने के लिए एक्सकवेशन मेरा कहाँ तक होगा, ठीक है, इसके मार्किंग की जाती है। किसकी मदद से मार्किंग की जाती है? पेग्स की मदद से मार्किंग किया जाता है। अब अगर बात करूं रेडियस की, कि आपके शाफ्ट का रेडियस क्या होगा, मतलब सेंटर से इसकी दूरी आपका रेडियस कहलाता है, तो वो कितना होगा? जो आपका फिनिश्ड रेडियस है प्लस
आपकी लाइनिंग की थिकनेस कितनी है, प्लस इसके बाद साथ ही आपका क्लियरेंस होगा 230 से लेके 300 mm तक का क्लियरेंस होगा। आपका कॉलर या फिर शाफ्ट कॉलर की बात करें तो ये वर्टिकल शाफ्ट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है सरफेस पर, ठीक है। अब आपका जो सबसॉइल होता है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका सबसॉइल या फिर एल्यूवियम वाला जो पोर्शन मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका 3 मीटर से लेके 20 मीटर के आसपास ये होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सबसॉइल है मिलता है सबसे पहले, तो ये लगभग 3 मीटर से लेके 20 मीटर तक आपको मिलता है। अब इसमें आप क्या करते हैं, एक्सकवेटेड इसको एक्सकवेट करने के लिए आप चीजल या फिर हैमर कटिंग पिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ब्लास्टिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लास्टिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सकवेटेड मटेरियल को कैसे भी करके चीजल या फिर हैमर की मदद से, कटिंग पिक्स की मदद से तोड़ेंगे। और इसके बाद एक्सकवेटेड मटेरियल को रेज करने के लिए हम बकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें कि मनीला रोप का इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं 30 मीटर की गहराई तक, ताकि हम बकेट की मदद से पूरा एक्सकवेटेड मटेरियल को बाहर निकाल सके, ठीक है। मनीला रोप, ये लाइन याद रखिएगा कि मनीला रोप का इस्तेमाल किया जाता है एक्सकवेटेड मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, रेज या लोवर करने रेज करने के लिए, ठीक है। अब शाफ्ट को सिंक करते समय उसको ज्यादातर कोशिश की जाती है कि वो वर्टिकल हो और सर्कुलर शेप में होना चाहिए। जो शाफ्ट का रेडियस है उसको मेजर अगर आपको करना है तो इसके लिए आप प्लम्ब और वायर का इस्तेमाल करेंगे और रेडियस रॉड की मदद से उसे लटका कर रखा जाता है, ठीक है। ये शाफ्ट के सेंटर पर सरफेस पर से ही लटका हुआ रहता है, ठीक है। अब प्लम्ब अप क्या होता है, जैसे कि मुझे शाफ्ट का सेंटर मार्क करना है, अब ये मैंने शाफ्ट बनाया, पूरा नहीं बना, ठीक है, इसका सेंटर मार्क, तो मैं एक आयरन का रॉड लूंगा, रेडियस रॉड जिसे बोलते हैं, यहां से ऐसे हवा में इसको लटका दूंगा, ठीक है, और यहां से मेरा प्लम्ब अप वायर लटकता रहेगा जो कि लगातार मेरे शाफ्ट का सेंटर बताता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस रॉड, ये जो सरफेस पर है इसको बोलते हैं रेडियस रॉड, और इसको बोलते हैं प्लम्ब ऑफ वायर। ठीक, आई बात समझ में, यहां तक किसी कोई डाउट है अगर हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी लाइनिंग, अब देखिए शार्प सिंकिंग जब कर रहे हैं तो भाई टेम्पररी लाइनिंग भी करनी पड़ेगी। टेम्पररी लाइनिंग क्या होता है, लाइनिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था क्या होता है, शाफ्ट की दीवारें, है ना, जैसे कुआं जब देखे होंगे तो कुएं के चारों तरफ ईंटा लगा रहता है, ईंट लगी रहती है, जुड़ाई की जाती है ईंट की, तो वो एक प्रकार का परमानेंट लाइनिंग है। लेकिन जब आपका शाफ्ट बन रहा होता है, अब इसकी गहराई तो एक कुएं से ज्यादा ही होनी है ना, तो जब आपका शाफ्ट बन रहा होता है तो शाफ्ट बनाते समय आप टेम्पररी लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो टेम्परेरी लाइनिंग होती है ये किस लिए बनाई जाती है, ये कोलैप्स होने से, जो मतलब आपका जो शाफ्ट के साइड्स हैं वो कोलैप्स ना होने पाए, इसको रोकने के लिए हम टेम्परेरी लाइनिंग करते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका एक हैवी फ्रेम होता है वुड का या फिर स्टील का जो कि शाफ्ट के टॉप पर लगा रहता है, फिर उसमें से हम उस एक जो रिंग है वो लटकाते हैं वहां से, है ना, उसकी मदद से, जो कि आपका टेम्परेरी लाइनिंग है एक प्रकार का। फिर टेम्पररी लाइनिंग को हम आयरन स्पाइक्स की मदद से जो है तो सस्पेंड करते हैं। अब टेम्पररी लाइनिंग के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है स्केलेटल रिंग्स, उसके बाद हैंगर्स, उसके बाद प्लैंक्स, उसके बाद टाइटनिंग वेजेस, ये चीजें होती हैं। ये देखिए ये आपका टेम्पररी लाइनिंग एक प्रकार का, इमेजिन करने में दिक्कत जा रही हो तो ये देखिए ये आपकी टेम्पररी लाइनिंग है, ये मैं सामने से दिखा रहा हूँ, मतलब कि सामने से, समझ रहे हो, समझना पड़ेगा। ये जो मेरा शाफ्ट बन रहा है, ठीक है, अब इस शाफ्ट में इस प्रकार से स्केलेटल रिंग मैंने लगाई, स्केलेटल रिंग लगाई मैंने, ठीक है, और एक स्केलेटल रिंग ऐसे यहां लगाई,
अब इनके पीछे मैंने लकड़ी लगा दी, वैसे गोल गोल चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ ऐसे गोल गोल लकड़ी लगा दी। तो ये पूरा वही अरेंजमेंट है, बस उसका छोटा सा पोर्शन मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पर। ये पूरा वही अरेंजमेंट है, ये आप स्केलेटल रिंग्स देख पा रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ आपका यहां पर उसके पीछे प्लैंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपका हैंगर हो गया, ये आपका स्केलेटल रिंग हो गया, ये आपका हैंगर हो गया, ठीक है, जिसमें कि लकड़ी के पटरे स्केलेटल रिंग जो है तो आपका लटका रहता है, ये आपका स्केलेटल रिंग, स्केलेटल रिंग, ये आपका स्केलेटल रिंग, ठीक है, ये पूरा का पूरा हैंगर हो गया। अब इस हैंगर के पीछे आपका लकड़ी का पटरा लगा हुआ है, ठीक है, इसको वुडन प्लैंक्स कहा जाता है। इसको टाइट रखने के लिए दीवार के अगेंस्ट हम क्या यूज करते हैं, वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरा इसका पोर्शन हो जाता है, ठीक। इसकी अगर मैं शेप एंड साइज की बात करूं स्केलेटल रिंग्स की, तो जो स्केलेटल रिंग्स होते हैं ये बेसिकली माइल्ड स्टील से बने होते हैं, 3-3 मीटर के सेगमेंट्स में इस प्रकार से ये छोटे छोटे टुकड़े, 3-3 मीटर का इस प्रकार से टुकड़ा आता है ना, इनको हम ऐसे जोड़ के जो है तो शाफ्ट के चारों तरफ लगा देते हैं, 3-3 मीटर का होता है। शाफ्ट के सरकमफ्रेंस जो शाफ्ट का परिधि होती है उसके शेप में ये होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है 100 mm होती है, थिकनेस 25 mm होती है, फिश प्लेट की मदद से ज्वाइन किया जाता है या फिर ओवरलैप ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, एंड आपका इसकी जो असेंबलिंग होती है ये आप सरफेस पर ही करते हैं। दूसरा आता है वुडन प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स की जो लेंथ विड्थ और थिकनेस है 2 मीटर, 215 mm और 38 mm होता है। वेजेस को जो है तो रिंग्स और प्लैंक्स के बीच में रखा जाता है ताकि इसको टाइट किया जा सके, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल टाइट रखा जा सके प्लैंक्स को, एंड हर एक रिंग को ऊपर वाली रिंग की मदद से सस्पेंड किया जाता है, हर एक रिंग को ऊपर वाली रिंग की मदद से सस्पेंड करके रखा जाता है आयरन हैंगर की मदद से, ठीक है। आयरन का जो हैंगर मैंने आपको दिखाया था कि एक रिंग ऊपर थी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस प्रकार से उसको लटका कर रखा जाता है। इमेजिन नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं डायग्राम्स बनाकर इमेजिन करवा सकता हूं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, अगर नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताने के मेरे पास हजारों तरीके हैं, बस ये है कि आपको मुझे एक बार बताना होगा चैट सेक्शन में कि हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से बता दीजिए, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। अब ये जो हैंगर होता है इसका डाया होता है 25 mm, ठीक है, दो हैंगर्स के बीच की दूरी होती है 1.2 मीटर, हर चौथा और पांचवा रिंग जो है तो प्लग्स की मदद से सपोर्ट किया जाता है, फ्रिक्शन के कारण जो है तो प्लैंक्स अपनी जगह पर बने रहते हैं, एंड प्लैंक्स के पीछे की जो खाली जगह है वहां पर हम लकड़ी वगैरह डालकर उसके खाली जगह को फिलअप करते हैं। ब्लास्ट जहां पर टेम्पररी लाइनिंग करना जरूरी है वहां पर ब्लास्टिंग को हम कोशिश करते हैं कि ना किया जाए, ठीक है, ब्लास्टिंग अवॉइड किया जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका टेम्पररी लाइनिंग होगा, अब इससे शायद हेल्प आउट हो रहा होगा आपको कि किस प्रकार से आपका रहता है। ये देखिए आपका हैंगर ये ऐसे आया, ये ऊपर वाला स्केलेटल रिंग, फिर ये नीचे वाला स्केलेटल रिंग, अब नीचे वाले स्केलेटल रिंग में फिर से हमने हैंगर लगाया और उसके नीचे एक और स्केलेटल रिंग टांग दिया, तो इस प्रकार से हम बारी बारी से स्केलेटल रिंग्स की मदद से एक सॉरी हैंगर्स की मदद से स्केलेटल रिंग्स को अटैच करते चले जाते हैं, ठीक है। अब आता है अगला परमानेंट लाइनिंग, अच्छा यहां तक किसी कोई डाउट है, आज आपके सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सारे आपके अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है,
और ज्यादा से ज्यादा जो लोग आप लोग ज्वाइन करिए, तो इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ज्यादा, है ना। वेजेस की पोजीशन होती है जो आपका स्केलेटल रिंग है ना, ये जो स्केलेटल रिंग है देख पा रहे हैं इसको, देख ही पा रहे हैं, ये आपका स्केलेटल रिंग है, ठीक है, और ये आपका वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक, इन दोनों के बीच में क्या है कि कभी कभार ढीला रह जाता है। वेजेस देखिए कुछ नहीं है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका मेन काम है कि भाई अगर मैंने टाइट किया स्केलेटल रिंग से प्लैंक्स को, तो स्केलेटल रिंग और प्लैंक अपनी जगह पर बने रहे, अगर ढीला होगा तो दिक्कत ना हो जाएगी, तो इसलिए उन दोनों को टाइट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ बीच में स्केलेटल रिंग और वुडन प्लैंक के बीच में इस पॉइंट पर लकड़ी का गुटका एक लगा दूंगा, तो वो टाइट हो जाएगा, हथौड़े से ठोंक के टाइट कर दूंगा बस, और कुछ नहीं है। जैसे आपने अंडरग्राउंड में देखा होगा जब हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रॉप सपोर्ट करते हैं, अब मान लीजिए लकड़ी जो हमने लगाई है ये टाइट नहीं है रूफ में, तो क्या किया, एक लकड़ी का गुटका अलग से ठोंक दिया, इसमें टाइट हो गया, तो बस यही काम होता है कि अगेंस्ट द रूफ हम जैसे टाइट रखने के लिए लकड़ी गुटके लगा देते हैं, बहुत सी जगह आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, तो ये काम इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका परमानेंट लाइनिंग। अब ये जो आपका शाफ्ट का डाया होता है, जैसे ही आपको स्ट्रांग रूफ मिलती है आप शाफ्ट के डाया को उतना ही बना रखते हैं जितना कि आपको फाइनली फिनिश डाया आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब परमानेंट लाइनिंग करते हैं भाई, शाफ्ट की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारा सबसे परमानेंट लाइनिंग भी हम स्टार्ट करते जाते हैं, ठीक है, और हर 3 से 4 मीटर जैसे ही हम गहराई पर जाते हैं तो हम परमानेंट लाइनिंग करते हैं, ठीक है। ब्रिक से करेंगे, कंक्रीट से करेंगे, या स्टील टबिंग से करेंगे। जो ब्रिक वॉलिंग है उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपका स्ट्राटा वेट है, ठीक है, वेट स्ट्राटा है और ज्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं है, मॉडरेट कॉम्पैक्ट है, तो वहां पर हम ब्रिक वॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका जो ब्रिक लाइनिंग होता है और जो एक्सकवेशन आपने किया है, ठीक है, उसके बीच का जो खाली जगह है उसमें आप ऐश, सैंड, लूज ब्रिक्स वगैरह डाल देते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए या आपने शाफ्ट बनाया, अब आप भी जान रहे हो शाफ्ट एकदम सीधा तो होता नहीं है, कुछ इस प्रकार का है, फिर आपने लाइनिंग की ब्रिक की इस प्रकार से लाइनिंग की, आपका शाफ्ट सुंदर दिखने लगा, लेकिन ये जो पीछे का खाली स्पेस है इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या भर देते हैं, इसी में हम भर देते हैं सैंड, ऐश या फिर लूज ब्रिक्स, इनको भर देते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, ये बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करता है, मतलब जो चारों तरफ से पानी का प्रेशर आ रहा होगा उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। दूसरा हम क्या करते हैं, इसकी दीवारों पे जो शाफ्ट बनाया है, शाफ्ट की दीवार पे हम होल्स छोड़ देते हैं, है ना, होल मतलब पाइप वगैरह डाल के छेद करके छोड़ देंगे। अब ये पाइप इस प्रकार से कुछ डली होती है, ये आपने फिलिंग किया, अब इसके बाद यहाँ पर दीवार में आपने एक पाइप ऐसे लगा दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं वीपिंग होल्स, वीप होल्स, वीप होल्स, ठीक है। ऐसे ढेर सारे होल्स हम शाफ्ट की दीवार पे छोड़ देते हैं। अब वीप होल्स क्या होगा कि मान लीजिए कहीं से पानी आ रहा है, तो पानी का प्रेशर दीवार पे ना पड़ के कहां से चला जाएगा, इस वीप होल से निकल के पानी यहां पर इस पार आ जाएगा, ठीक है, पानी दीवारों पे शाफ्ट के प्रेशर ना डालते हुए इस होल में से बाहर आएगा। फिर आगे चल के हमने बना दिया यहाँ पर गार्लैंड, इस प्रकार का एक अरेंजमेंट किया दीवार पे गार्लैंड, पानी पूरा का पूरा आके इसमें कलेक्ट हुआ, फिर इस गार्लैंड में से हमने एक पाइप कनेक्ट किया जो कि शाफ्ट के बॉटम में पूरा का पूरा पानी लेकर चला जाता है, शाफ्ट के बॉटम में पंप लगा हुआ है जो कि पूरे के पूरे पानी को सरफेस पर फेंक देता है,
हो गया काम, ठीक है, आया बात समझ में। वी फोल्स जो है तो कर्ब लेवल पर छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर आपका वी फोल्स से पानी कहाँ जाता है, वाटर गार्लैंड में जाता है, वाटर गार्लैंड में, वाटर गार्लैंड को गार्लैंड कर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है वाटर गार्लैंड से पानी कहाँ जाता है, 50 mm के डाया वाले पाइप से जो है तो शाफ्ट के बॉटम में पानी को भेज दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वॉलिंग स्कैफोल्ड। वॉलिंग स्कैफोल्ड शाफ्ट सिंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वॉलिंग स्कैफोल्ड, इसके रिगार्डिंग अच्छी खासी रेगुलेशन में बातें कही गई हैं, है ना, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरा का पूरा शाफ्ट सिंकिंग इस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। क्योंकि जो वॉलिंग स्कैफोल्ड है उसी की मदद से हम ब्रिक की जो दीवार बना रहे हैं, ईंटे की जो दीवार बना रहे हैं, या बोलो परमानेंट लाइनिंग जो कर रहे हैं भाई साहब, वो इसी से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वॉलिंग स्कैफोल्ड जो है तो बना किस चीज से होता है, ये छोटे छोटे वुडन प्लैंक से, सैल प्लैंक से बना रहता है, जिनका साइज होता है 0.3 बाय 0.3 मीटर, ठीक है, इनका साइज होता है। इससे एक फ्रेम तैयार करते हैं, एंड उसके बीच में क्या होता है कि 2 बाय 2 मीटर का एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ठीक है, ताकि सिंकिंग बकेट उसके अंदर से आ जा सके। स्कैफोल्ड की दो को दो रोप्स की मदद से सस्पेंड किया जाता है, डबल ड्रम विंच का इस्तेमाल किया जाता है इसको रेज और लोअर करने के लिए। स्कैफोल्ड का डाया जो होता है फिनिश्ड डाया से कम रहता है, 4 इसमें स्लाइडिंग बोल्ट्स होते हैं ताकि प्लेटफॉर्म को स्टडी रखा जा सके, ठीक है। स्कैफोल्ड की को अगर आप एक जगह पर खड़ा करके रखते हैं तो उससे आप लगभग 1.3 मीटर का क्या कर सकते हैं, परमानेंट लाइनिंग बना सकते हैं। उसके बाद फिर स्कैफोल्ड की पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से आप 1.3 मीटर का लाइनिंग आप बना पाएंगे, ठीक है। बंटन्स को शाफ्ट के साइड में फिट किया जाता है 9 मीटर से लेके 16 मीटर के इंटरवल्स में, ताकि केबल्स को, डिलीवरी पाइप्स को और कंप्रेस्ड एयर पाइप्स को क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। ये देखिए ये आपके वॉलिंग स्कैफोल्ड, ठीक है। अब ये स्कैफोल्ड देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये हवा में ऐसे लटकता रहता है, ठीक है, एंड इसकी मदद से आप जो है तो क्या बना पाते हैं, अपनी दीवार बना पाते हैं, परमानेंट लाइनिंग कर पाते हैं, ठीक है। अब इसको लटकाने के लिए मैंने जैसा कि कहा दो रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि ये अब डायग्राम पहले से ही बना हुआ है, लेकिन चलो बना देते हैं। ये आपका टॉप से ऊपर से देखिए तो ये है वॉलिंग स्कैफोल्ड। अब सरफेस से दो रस्सियां आती हैं, ठीक है, तो ये दोनों रस्सियां इस प्रकार से वॉलिंग स्कैफोल्ड के दो एंड्स को ऐसे चारों तरफ से पकड़ के रखती हैं, ठीक है। इसमें से मतलब दो रस्सी आई, उसमें से 4 चैन निकली, चारों चैन्स में क्या करता है, यहाँ पे जाके पकड़ लेगा, यहाँ पे जाके पकड़ लेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे चैंस आपके अटैच हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग बोल्ट। अब आप भी समझ रहे हो कि भाई शाफ्ट के डाया से कम है इसका, तो जाहिर सी बात है ये कभी इधर चला तो कभी इधर चला, है ना, हिलता डुलता रहेगा, ऐसे में काम कर पाएंगे क्या, नहीं। तो इसको अपनी पोजीशन पर फिक्स रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्लाइडिंग बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइडिंग बोल्ट क्या होता है कि एक प्रकार का बोल्ट होता है जो कि दीवार में जाके घुस जाता है, शाफ्ट के साइड्स में जाके इस प्रकार से अंदर तक घुस जाएगा, ठीक है, और आपके वॉलिंग स्कैफोल्ड को जो है तो स्टेबल रखने का काम करता है। अब ये कहीं भी भाग कर नहीं जाने वाला है, ठीक है। 2 बाय 2 की आपकी, 2 मीटर बाय 2 मीटर की आपकी बकेट की ओपनिंग होती है बीच में, ठीक है, बकेट के लिए, ताकि बकेट अंदर बाहर आ जा सके आसानी से, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, किसी कोई डाउट हो तो बता सकते हैं अभी। राइडर नेक्स्ट, देखिए राइडर का इस्तेमाल किया जाता है शाफ्ट सिंकिंग के समय पर, ताकि
हम क्या कर सकें, जो हमारा बकेट का स्विंगिंग है ना, जो बकेट है हमारा वो स्विंग करता है, इधर उधर भागता है, तो उसके स्विंगिंग को कंट्रोल करने के लिए राइडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि शार्प सिंकिंग के समय पर हम गाइड रोप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राइडर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसके साथ राइडर के साथ आप लॉक्ड कॉइल रोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्पिनिंग को रोकता है। ये बेसिकली राइडर आपका कोन शेप्ड में होता है, और ये वॉलिंग स्कैफोल्ड की जो रस्सियां हैं, जो दो ठो रस्सियां मैंने अभी बताई है, उन दोनों रस्सियों में ये लगा रहता है। इसमें होता है एक स्पाइडर, जो कि एक प्रकार का ऐसा शीव होता है जो कि रोप्स को ओवरवाइंड होने से प्रिवेंट करता है, रोप्स को गाइड करने में भी मदद करता है। ठीक है, राइडर की मदद से फायदा क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अपने बकेट को रेज या फिर लोवर कर सकते हैं, क्योंकि शार्प सिंकिंग कर रहे हैं, बकेट का इस्तेमाल क्यों हो रहा है भाई साहब, क्योंकि हमें बकेट से पूरा का पूरा जो एक्सकवेटेड मटेरियल है वो बाहर निकालना है। ठीक है, इसी के साथ ही लाइनिंग भी करते रहना है। अब ये देखिए, ये आपका राइडर है। ठीक है, अब ये राइडर जो है, ये आपकी दो रस्सियां आई वॉलिंग स्कैफोल्ड की, ये रस्सी नंबर वन, ये रस्सी नंबर टू। ठीक है, ये रस्सियां यहां पर आके नीचे फिर जाके किससे जुड़ जा रही हैं, वॉलिंग स्कैफोल्ड से जुड़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर ये लगा हुआ है राइडर। अब ये राइडर क्या होता है, जैसे ही बकेट है, बकेट मान लो यहाँ पर बकेट अटैच करके रखा हुआ मैंने। ठीक है, अब ये राइडर जैसे ही बकेट नीचे से ऊपर की तरफ आया, राइडर से टकराया, अब राइडर को लेके ये राइडर भी साथ साथ में, राइडर भी क्या करेगा, साथ साथ में ऊपर जाने लगेगा। तो बहुत तेजी के साथ आप राइडर की मदद से क्या कर सकते हैं, बकेट को ले आ ले जा सकते हैं। बकेट इधर उधर इधर इधर नहीं भागेगा, ठीक है, एकदम सीधा रहेगा। और फिर जैसे ही आप बकेट को लोअर करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो राइडर भी साथ साथ में बकेट के नीचे आता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही वॉलिंग स्कैफोल्ड का उसके पास आता है, तो वहां पर ये राइडर रुक जाएगा, और उसके बाद आपका बकेट को आप नीचे भेज देते हैं अंदर। राइडर यहीं पे खड़े खड़े इंतजार करेगा बकेट के लिए कि दोबारा से आए तो मैं इसके साथ साथ चलूं, है ना। तो ये होता है राइडर। आई बात समझ में? अब शार्प सिंकिंग में आपको ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करना है। ठीक है भाई, हार्ड रॉक मिल गया। शुरुआती दौर में मैंने ब्रिक वॉलिंग की, हर 3 से 4 मीटर के बाद मैंने ब्रिक वॉलिंग किया। उसके साथ ही मुझे सॉफ्ट स्ट्राटा मिला, जिसमें कि मुझे ब्लास्टिंग नहीं करनी थी, मैं खुदाई कर करके ही निकाल रहा था। लेकिन जब हार्ड रॉक मिला, तो हार्ड रॉक के लिए मैं रॉक ब्रेकर वगैरह तो लेके जा नहीं सकता, शाफ्ट है बहुत गहराई में जा चुका है, 30 मीटर के आसपास, 30 40 45 मीटर के आसपास गहराई हो चुकी है शाफ्ट की। अब मुझे उसको जो है तो हार्ड रॉक मिलते ही क्या करना पड़ेगा, ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक, ब्लास्टिंग कैसे किया जाता है, तो देखिए, ब्लास्टिंग करने का एक थंब रूल है कि आखिर कितने होल्स एक रिंग में होंगे। तो आपका बोलता है एक रिंग में शाफ्ट के डाया का, जो भी आपका शाफ्ट का डाया है मीटर में, उसके डाया का 3 गुना होल्स आपको ड्रिल करने हैं। ठीक है, होल्स को ड्रिल करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैंड हेल्ड जैक हैमर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट हो रहा हो। सॉरी, कितने प्रेशर पे, 6 kgf पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के एयर के कंप्रेस एयर प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा हो। कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करने के लिए जैकहैमर ड्रिल तक रबर होज पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका डाया होता है 100 mm। होल का डाया होता है, जो आप होल ड्रिल कर ले ब्लास्टिंग के लिए, 38 mm उसका डाया होता है, और जो होल की डेप्थ होती है 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर होल की डेप्थ होती है। होल्स को ड्रिल करने के बाद उसको वुडन प्लग्स, लकड़ी के गुटकों की मदद से ढक दिया जाता है। ठीक है, अब अगर सैंडस्टोन है तो जिलेटिनस हाई एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हार्ड रॉक है तो स्पेशल जिलेटिन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर आप लो टेंशन डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करेंगे।
अब ये आपका, देखिए ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है, टॉप व्यू है। अब आपने इस प्रकार से होल्स ड्रिल किए, इस प्रकार से तो रिंग आपने बनाई, ठीक है। अब ये जो बीच वाली, हर एक रिंग का एक एक करके सभी रिंग्स को उड़ाएंगे, पहले ये वाली रिंग उड़ेगी, उसके बाद माप बाद पूरा मटेरियल निकालेंगे, फिर उसके बाद इस रिंग को उड़ाएंगे, फिर पूरा मटेरियल निकालेंगे, फिर इस रिंग को उड़ाएंगे, ऐसे कर करके आप जो है तो ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली रिंग है, ठीक है, नंबर 1 2 3 तीन रिंग्स बनाए मैंने, जो सबसे नंबर 1 वाली रिंग है, सबसे बीच की, उस रिंग को कहा जाता है संपर, संपर रिंग, ये याद रखिएगा। और एक रिंग में है ना, हर एक रिंग में जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है, ठीक। तो एक एक करके सभी रिंग्स को हम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग के पहले हम सारे इक्विपमेंट्स, लाइट्स वगैरह जो भी है हमारे पास नीचे जमीन पे, उस सभी को हम वहां से हटा देंगे, सभी वर्कर्स को विड्रॉ कर लेंगे, और जो फोल्डिंग डोर्स हमने लगाए हैं उन फोल्डिंग डोर्स को बंद करके फिर आप ब्लास्टिंग करेंगे। अब आपको हटाना है डेब्रिस, ठीक है। अब आपने समझ लिया भाई, मैंने ब्लास्टिंग किया हार्ड रॉक में, अब मुझे वहां से पूरा का पूरा मटेरियल हटाना है। अब इसको ये करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, बकेट का इस्तेमाल करते हैं इसको हटाने के लिए। और उस बकेट को क्या कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली से बहुत से एग्जाम्स में, किबल, बॉक एंड हॉपिट, ठीक है। ये बकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है डिब्रिस को क्लियर करने के लिए। बकेट को डिटैचिंग हुक से अटैच किया जाता है ब्रिडल चैन की मदद से, ठीक है, या क्लीवी की मदद से। दो बकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और बकेट्स को खोलने के लिए शूट्स या फिर वीडोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बकेट जैसे ही फॉर्क उसका खुले तो बकेट टिल्ट होके पूरा का पूरा मटेरियल शूट में या फिर वीडोर्स में गिरा दे। ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका पैटर्न होता है, ड्रिलिंग पैटर्न, और ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं, ये है बकेट आपका, जो कि रेज और लोअर का मतलब मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये इसके फॉर्क हो जाते हैं, ये मार्किंग कर दूं, F1 F1 एंड F2, ये क्या है आपके फॉर्क है, ठीक है। ये देखिए नीचे तक जाता है पूरा मटेरियल, यहाँ पर भर जाता है, भर लिया, जब मटेरियल भरने ये नीचे की तरफ जाता है तो इसका ये हिस्सा खुला रहता है, ये वाला हिस्सा, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे ही मटेरियल अंदर आ जाता है ये वापस से अंदर की तरफ बंद हो जाते हैं, और कुछ इस प्रकार से आपका शेप ले लेते हैं, पूरा मटेरियल पैक हो गया। अब ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और अपने फॉर्क को फिर से उसी पोजीशन पे खोल देगा, तो पूरा का पूरा मटेरियल धड़धड़ा के इधर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और शूट्स में जाके गिर जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। तो हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है ना। अब एक और लेक्चर है आपका, मुश्किल से 2 से 3 3 लेक्चर मैक्सिमम, इतने में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा आपका ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट, मैक्सिमम 3 लेक्चर, ठीक है। तो इतनी चीजों को आप पढ़िए, समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और जो SCCL वाले बोले तो सिंगरेनी कोलफील्ड के जो मैनेजमेंट ट्रेनी है जो तैयारी कर रहे हैं अब से, उनको भी ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उनकी भी रेगुलर बेसिस पे इसी टाइम पर क्लास होगी, तो आप प्लीज उस समय पर आके मुझे ज्वाइन किया करिएगा, है ना। तो अपन धीरे धीरे पूरा तो सिलेबस मैं तुम्हारा भी रिवाइज करवा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो एक रिविजन टाइप से भी ले सकते हो इसको, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए।
सिलेबस को लेके या कोई भी डाउट हो सिलेबस को लेके, या फिर आपका स्टडी मटेरियल को लेके, या मॉक टेस्ट को लेके, जिस चीज से भी रिलेटेड डाउट हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, अब मैं ये आपका डेमो क्लास, पॉसिबिलिटीज है कि ये आपका लास्ट डेमो क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद से आपको जो तो परचेस्ड कोर्स में ही देखने को मिलेगा। और टेम्पररी लाइनिंग और परमानेंट लाइनिंग के बीच का देखिए कोई डिस्टेंस नहीं होता है भाई। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्टिंग में आपने टेम्पररी लाइनिंग लगाई, फिर धीरे धीरे आप नीचे बढ़ते चले गए टेम्पररी लाइनिंग, और ऊपर से जो टेम्पररी लाइनिंग है ना, सॉरी सॉरी, आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो अपनी टेम्पररी लाइनिंग को भी नीचे की तरफ बनाते हुए जाएंगे, और इसके साथ ही क्या करते जाएंगे ऊपर से, है ना, जब बहुत ज्यादा गहराई हो जाएगी तो पूरा भाई ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ी टेम्पररी लाइनिंग होगी, ऊपर से टेम्पररी लाइनिंग को हटाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली टेम्पररी लाइनिंग को हटा देंगे और नीचे की टेम्पररी लाइनिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ऊपर की टेम्पररी लाइनिंग को हटाकर हम क्या लगाएंगे वहां पे, परमानेंट लाइनिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है टेम्पररी लाइनिंग भी बढ़ती जाएगी आगे आगे, और टेम्पररी लाइनिंग के जस्ट ऊपर क्या होगा, परमानेंट लाइनिंग होगा, ठीक है। तो परमानेंट लाइनिंग के जस्ट नीचे क्या है, टेम्पररी लाइनिंग है, उसके नीचे आप काम कर रहे हो, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट। चलो डायग्राम से समझा देते हैं। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका परमानेंट सॉरी टेम्पररी लाइनिंग है, टेम्पररी लाइनिंग है, यहां से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा परमानेंट लाइनिंग है। इस क्लास का रिकॉर्डिंग जो है आपको लाइव क्लासेस में मिल जाएगा, और आपके रेस्पेक्टिव फोल्डर्स में 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएंगे, जो भी आपका फोल्डर होगा वहां पर आपका अपलोड हो जाएगा। किस कोर्स की बात कर रहे हैं, मुझे अगर नहीं अपलोड होता है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और मैसेज ड्रॉप करिएगा तो आप एक बार मैसेज में मुझे देखिए दो चीजें जरूर बता दीजिए अगर वीडियो अपलोड करवाने, तो सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कौन सा, दूसरा आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स का नाम, ठीक है, जो भी कोर्स आपने परचेज किया वो कोर्स का नाम मुझे बता दीजिएगा, तभी मैं आपका हेल्प आउट कर पाऊंगा, वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम एंड कोर्स का नाम, मैं सिर्फ विनिंग एंड वर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं माइनिंग के, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना हो, अगर आपके कोर्स में आ रहा है वो चीज, तो वो चीज नहीं और नहीं अपलोडेड है तो आप मुझे बताइए, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।